आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम यात्रा करने वाले हैं एक बहुत प्रसिद्ध स्थान की। हम आज यात्रा करने वाले हैं राजस्थान में स्थित करौली जिले में माँ कैला देवी की यात्रा। और इसके बीच में जो भी स्थान हम जाएंगे उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। हमारा पहला पड़ाव हम देखिए पीछे मंडराल में भी हैं हम लोग। और मंडराल में आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर में आए हुए हैं अभी। दोस्तों अभी हम हनुमान जी महाराज के मंदिर पर हैं। यह मंदिर मंडराल में ही है और काफ़ी प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है। दोस्तों हम ये यात्रा है जो अपनी कार से कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मंडराल है अपने दुर्ग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सामने आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं और अगर आपको दिख रहा हो तो सामने एक दुर्ग बना हुआ है मंडराल का। ये काफ़ी प्रसिद्ध दुर्ग है और आप मंडराल आ रहे हैं तो आप इस दुर्ग को देख सकते हैं। दोस्तों कैला देवी जाने के लिए मुख्यतः दो मार्ग हैं और वो दोनों ही मार्ग ग्वालियर होके हैं। अगर आप ग्वालियर हैं तो ग्वालियर से आप सबलगढ़ होते हुए जा सकते हैं या फिर धौलपुर होते हुए जा सकते हैं। दोनों ही मार्गों के द्वारा 170 किलोमीटर की दूरी है लगभग। दोस्तों अब हम जा रहे हैं करणपुर और उसके बाद हम जाएंगे कैला देवी। तो यहाँ से करणपुर लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बाद सीधे हम कैला देवी चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते रहिए। देखा कि अभी हम लोग करणपुर वाली माता का दर्शन कराया मैंने आपको। ये बहुत प्रसिद्ध प्राचीन स्थान है और आज मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। देखिए साथ में मेरी बहन है। आप कुछ बताना चाहेंगे इस स्थान के बारे में? ये स्थान बहुत ही पुराना और यहाँ की इतनी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि आप जो भी मन में विश रख कर आते हो वो यहाँ पे पूरी होती है। तो हम लोग बचपन से ही जब से हम लोगों ने आँखें खोली हम जब भी कैला देवी की यात्रा के लिए जाते हैं तो इस पड़ाव पे हमेशा इंसान को रुकना चाहिए, माता से अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ कर्णपुर वाली माता और गुमानो माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर। तो ये स्थान बहुत प्राचीन है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पहाड़ियों का नज़ारा। पहाड़ियों का नज़ारा देख सकते हैं आप। तो ये पहाड़ियों के चारों तरफ बना हुआ मंदिर है और यहाँ काफ़ी इसकी मान्यता है इस मंदिर की। बहुत प्राचीन स्थान भी है, ये राजाओं के टाइम का स्थान है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से माता के ध्वज लहरा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मुख्य द्वार करणपुर वाली माता का। अब हम यहाँ से कैला देवी के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर कैला देवी का मंदिर है, आपको जल्द ही ले चलते हैं कैला देवी के मंदिर में। अभी आप देख सकते हैं हम लोग अभी जो फेमस कैला देव नेशनल पार्क है उसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं। ये जो नेशनल पार्क है ये यहाँ की अप्रवासी चिड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ फ्लोरा फौना दोनों प्रकार के यहाँ पर अच्छी संख्या पाए जाते हैं। हिरणों की भी यहाँ पर काफ़ी प्रजाति है। आप देख सकते हैं पूरा नेशनल पार्क का एरिया है और इसके बीच में से ये सड़क गई है कैला देवी के लिए। तो अगर आप पे टाइम है तो ज़रूर आइए यहाँ पर। और यहाँ का कुछ चार्ज भी लगता है तो आप जाके सफारी भी कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ का। आप देख सकते हैं हम लोग अभी कैला देवी नेशनल पार्क में खड़े हुए हैं और थोड़ा यहाँ का नज़ारा आपको साथ में देखिए। पीछे पूरा जंगली जंगल का एरिया है और गोर जंगल पीछे की साइड है। हम लोग अभी कैला देवी के रास्ते में हैं। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर है कैला देवी अभी।
तो दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं कैला देवी के मंदिर में, और आप देख सकते हैं मेरे सामने भव्य मंदिर आप देख सकते हैं। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है और आज काफ़ी भीड़ नहीं है, पर काफ़ी अच्छा दृश्य आप देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं मंदिर का आगे का द्वार जिससे मंदिर में प्रवेश मिलता है। बहुत ही सुंदर, देखिए किस प्रकार से सजा हुआ मंदिर है। और आज इतनी भीड़ नहीं है, हालांकि आप देखिए सामने आपकी नज़र जा रही होगी तो ये एक पिलर जैसा आपको लग रहा है, और काफ़ी सुंदर पूरा मंदिर का दृश्य है। बहुत ही सुंदर और अलौकिक चारों तरफ छटाएँ दिख रही हैं, और देखिए कितना विशाल का मंदिर है। हालांकि यहाँ कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है, पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य मंदिर है माता का। अब ये देखिए, ये शायद मुझे लग रहा है सती पिलर बोलते हैं, जिसे हम वो है जब भी कोई स्त्री सती होती थी तब उसके लिए बनाया जाता था ये। और आप देखिए ये पीछे का द्वार है माता का, और आप ध्वज देख सकते हैं किस प्रकार से माता के ध्वज लहरा रहे हैं, और जिसकी भी मन्नत होती है वो अपना ध्वज यहाँ चढ़ाता है। और ये है परिक्रमा मार्ग, देखिए ये परिक्रमा मार्ग है, माता की परिक्रमा लगाई जाती है इस प्रकार से। अब देखिए ये आपको दिख रहा है जो यहाँ भी सतिये बनाए जाते हैं गोबर से मनोकामना पूरी होने पर। और ये देखिए ये मुख्य ध्वज आपको दिख रहा होगा माता का, जिसको कवर किया गया है चारों तरफ से, देखिए और बड़ा सुंदर दृश्य है। और ये देखिए ये है फ्रंट माता का, सॉरी बैक है ये, और आप देखिए सुंदर दृश्य है माता का मंदिर का, अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये देखिए जब यहाँ भीड़ होती है तब ये इस प्रकार से जो लाइन लगी हुई है इसमें भक्तगण आते हैं और लाइन में लग के माता का दर्शन करते हैं। काफ़ी बड़ा और भव्य द्वार है, देखिए ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये है भैरवनाथ का मंदिर। और अगर आप कैला देवी आ रहे हैं तो आप भैरवनाथ के मंदिर की यात्रा किए बिना नहीं जा सकते। तो ये भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर है, ये उसका द्वार है, देख सकते हैं आप ये मंदिर का दृश्य अंदर से, बड़ा सुंदर और बड़ा भव्य मंदिर है ये भी। इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ जो करौली के राजा थे गोपाल सिंह, उनको रात में माता ने स्वप्न दिया था कि मेरा भवन का निर्माण करवाओ, इसीलिए यहाँ पर राजा गोपाल सिंह ने भवन का निर्माण इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है क्षेत्र में राजस्थान का, यहाँ की बहुत मान्यता है उससे पहले कि यहाँ पे हर महीने जो टाकू उसमें चंबल के सोने का घंटा चढ़ाते थे और मैया की बहुत सेवा करते थे। लेकिन ये सब कहीं नहीं पाते हैं, मेरा एक सत्य है कि उन्होंने सोने का घंटा और शत्रु सच में मैया को चढ़ाया था। हाँ, तो ये स्थान बहुत प्राचीन है और लगभग मैं मानता हूँ 17वीं सेंचुरी में यहाँ मंदिर बना था ये कैला देवी का, बाद में इसमें निरंतर विकास होता है और आज तो ये भव्य मंदिर के रूप में स्थापित है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए, और इस प्रकार का कुछ कैला देवी का मंदिर है। अभी आगे आपको हम ले चलते हैं चंबल नदी की ओर, रास्ते में मिलेगी जो वहाँ पोटार घाट का दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों ये है कैला देवी का मार्केट, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से आप प्रसाद और अन्य वस्तु ले सकते हैं। और अगर आप अपनी कार को पार्क करना चाहते हैं तो इन दुकानों को सामने कर सकते हैं, बस बदले में आपको इनसे प्रसाद देना होगा, तो काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और अटार घाट के पुल पर आपको दिख रहा होगा चारों तरफ रेत है, अभी अंधेरा हो गया तो आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा, पर अगर आप दिन में आएंगे तो बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य होता है, चारों तरफ रेत और बीच में नदी बहती है। और यहाँ चंबल नदी अभी आने वाली है, और यहाँ जो पुल है वो अस्थाई पुल है, रात को अंधेरे में स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा, पर बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य, देखिए ये है चंबल नदी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अब हम मिलते हैं आपसे किसी दूसरी जगह, किसी अनजान जगह पर दोबारा।